मैंने देखा है कि कई लोग जो ज़्यादा बोलते थे उनको पैसे दे दिए गए. जब उनको पैसे दे दिए गए उनके मुंह बंद हो गए. यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री. यू हैव टू बी द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री. मीडिया इस वक्त बड़े अफसोस से मैं कहता हूँ कि इसके अंदर कई ऐसे लोग हैं जो कि ब्लैकमेलर्स हैं. मीडिया के ओनर्स को बिकना नहीं चाहिए और गवर्नमेंट को सख्ती नहीं इस तरह करनी चाहिए. सो हमें मीडिया का भी एहतसाब करना है कि तुम्हारे पास ये घर, ये गाड़ियाँ, ये जहाज और इस तरह की चीज़ें ये कहाँ से आ गई हैं यार. एक्टिव हो मीडिया के अंदर बट पॉजिटिव. हमारे स्टेट के खिलाफ लोग बातें करना करते हैं. स्टेट को छोड़ दो, सियासत पे जो मर्जी करो, क्योंकि जब आप स्टेट के खिलाफ करते हो आपका दुश्मन उससे फ़ायदा उठाता है. जब आप पैसे लेके वोट देते हो दैट मीन्स यू आर करप्ट एंड द पर्सन यू आर इलेक्टिंग इज करप्ट. हम इसको मीडिया को कैसे देख रहे हैं आजकल? और हमारा सबसे बड़ा नारा पाकिस्तान में क्या है? डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी होती है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. क्या आपको नज़र आता है इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी? नहीं. वो क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता क्योंकि मैं खुद और आप, हम डेमोक्रेसी को तरजीह देते नहीं हैं. डेमोक्रेसी ये नहीं है कि भाई आप किताब पढ़ लो, सिविक ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ लो तो आपकी डेमोक्रेसी. नो, डेमोक्रेसी आपको रोड पे नज़र आती है. मोटर बाइक जा रही है तो आप मोटर बाइक को जाने दें, गाड़ी जा रही है तो मोटर बाइक वाला साइड पे होके. दिस इज़ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी होती है कि आप जा रहे हैं और यहाँ मैं देखता हूँ पर्टिकुलरली ये लड़के या आदमी बाज़ारों में जाते हैं, औरतें चल रही हैं उनको धक्का मार के इधर उधर करके. ये नहीं कि सॉरी माफ़ कीजिएगा, नो. ये होती है डेमोक्रेसी, कंसिडरेशन ऑफ द अदर. हमारे में कंसिडरेशन ऑफ द अदर नहीं है. हालांकि ये सब चीज़ें जो मैं बात करता हूँ ये इस्लाम में, देर ऑल इन इस्लाम. बट हम ना तीतर हैं ना बटेर हैं. हम कोशिश कुछ करते हैं, बनते कुछ हैं. और यही वजह है कि हम डेवलप नहीं करते. चाइना को आप ले लो, आपके पास बेस्ट एग्जांपल है. यूएई को आप ले लो, 74 तक गांव था, मछली खजूर खाने वाले लोग आज कहाँ बैठे हुए हैं. वन ऑफ द बिगेस्ट इकॉनमीज. अभी उन्होंने कल परसों हमें $1 बिलियन दिए, अंदाज़ा लगाओ. और हमारे पास हर किस्म का वेदर भी है, हर किस्म की चीज़ भी है. उसके पास रेत है, उसने रेत को कन्वर्ट करके एक यू नो एक सराय बना दी. उसने ग्रीनरी लेगी, वो भी कहाँ से लेके गया? एक यहाँ पाकिस्तान में लाहौर में चनंदीन नर्सरी होती थी, उसके मालिक को शेख जायद लेके चला गया. आज देखो अबू धाबी को उसने क्या कर दिया. हमारे बंदे ने एयरलाइंस पूरी दुनिया की, हम कराची में ट्रेन करते थे, हमारे इंजीनियरिंग हब था. ये एमिरेट्स हमने बनाई है. आज वो कहाँ है? हम कहाँ? हमारी तो एयरलाइन बंद कर दी उन्होंने. हमने की, किसी और ने नहीं की. तो जब हम बात ये करते हैं एज फार एज मीडिया इज़ कंसर्न्ड, तो जो भी हुकूमत होती है वो डर जाती है. हालांकि मुझे अभी तक याद है कि आखिरी एक रिसेप्शन थी शौकत अजीज़ साहब के, जब वो वज़ीर आज़म थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में. उनकी बड़ी अच्छी बात में लगी कि वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती जो अपने आप पे तनकीद करना बर्दाश्त ना करें. तनकीद करना प्राइवेटली भी, तनकीद ब्राय तामीर, नॉट तनकीद जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. तो ये चीज़ अगर हमारे मीडिया में भी आ जाए, बर्दाश्त का मादा, कि वो भी किसी की साइड ना ले, वो भी इस तरह की कोई ऐसी बात ना करे कि जिसमें कभी इसका टेल्ट इधर है कभी इधर है. अभी मैंने देखा है इसके अंदर ये एक कितने 6-7 महीने ले लो, साल ले लो बेशक, आधे चले गए इमरान खान की तरफ, आधे चले शहबाज शरीफ की तरफ. अब ये नहीं होना चाहिए. मीडिया जो है इट हैज़ टू बी फेयर. जब तक आप फेयर नहीं होंगे, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अवाम पे है, तो फिर मैं अवाम के साथ एज ए मीडिया पर्सन मैं झूठ बोल रहा हूँ. मैं कभी भी मैं समझता हूँ जो आप तो चले सियासतदान का काम है, जो मर्ज़ी हो वो तो झूठ बोलते हैं, लॉलीपॉप देते हैं आपको, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे. वो उनका काम है. ये पाकिस्तानी पूरी दुनिया के अंदर है, पूरी दुनिया में. लेकिन हमने उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है? इन एन ऑनेस्ट वे.
हमारे मुल्क में वो बर्दाश्त नहीं है। मैंने देखा है कि कई लोग जो ज़्यादा बोलते थे उनको पैसे दे दिए गए, जब उनको पैसे दे दिए गए उनके मुंह बंद हो गए, विच मीन्स कि जिस पे वो बात कर रहे थे सच्चाई पे, सच्चाई अब झूठ पे कन्वर्ट होगी, आपके पास पैसा आ गया, आपके फार्म हाउसेस आ गए। तो ये जब तक आप इसको ठीक नहीं करेंगे आपका मीडिया कभी आगे नहीं आएगा। तो डिफ़िकल्टीज ये होती हैं मीडिया के अंदर। फिर हमारे मालकान भी हैं इस तरह के, जो कि एड्स के लिए हुकूमत की ज़्यादा फेवर शुरू कर देते हैं और उनको ये मिल जाते हैं, एड्स मिल जाते हैं, फिर वो गवर्नमेंट की तरफ से यू नो बड़ी बातें करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। ठीक है, टेम्प्रेरी तौर पे एक मीडिया हाउस को फ़ायदा पहुंच गया, दूसरे को पहुंच गया, तीसरे को, लेकिन लॉन्ग टर्म एज अ फैब्रिक ये नुकसान है। देखो ना, आप जितने भी यहाँ बैठे हो, यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, यू हैव टू बी द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, देयर इज़ नो टू वेज अबाउट इट। अगर आप लोगों ने ओनरशिप नहीं ली, मैं आपको बता दूं, ये फिर मुल्क नीचे जाएगा। हमने खड़े होना है और सिर्फ एक चीज़ पे, सच्चाई पे, झूठ पे नहीं। अगर आप झूठ पे खड़े होंगे, याद रखना आपके बच्चे भी और उसकी पुश्तें भी झूठ झूठ पे खड़ी होंगी। तो कहीं ना कहीं तो हमने ब्रेक लगानी है ना अपने आप को, और क्यों लगानी है? पाकिस्तान के लिए। ये मैं इसलिए कई बातें ऐसी करता हूँ क्योंकि मेरे वालिद महात्मा गांधी के साथ उन्होंने काम किया। तो 1934 में मैं जब छोटा था, मुझे नहीं पता था, वो घर पे तस्वीरें पड़ी थी गांधी की और मेरे वालिद की एज ए यंग मैन। तो मैंने कहा, जी ये कौन है नंगा आदमी? उन्होंने कहा, ये बहुत चलाक आदमी है। मैंने कहा, वो कैसे? तो कहते हैं कि ये अंदर कोई और बात करता है, बाहर कुछ और करता है। और वो सेविल रो के सूट पहनने वाला आदमी था, धोती में आ गया, खुद वो उसको यान को नेट करे। तो उसने एक मीडिया में अपनी परसेप्शन दे दी, नेकेड फकीर, अंग्रेज तो ये कहता था उसको। तो ये जो चीज़ें हैं, इन लोगों ने देखा हुआ है कि हमने कैसे काफले इधर लाए, उनके भी यहाँ से चले गए, मुसलमान भी यहाँ से गए, ये नहीं है ज़रूरी है कि हिंदू गया, मुसलमान भी गया। तो अब इतनी मुश्किल से अगर ये मुल्क हमने बनाया है या बना बनाया मिल गया है, हम क्या कर रहे हैं इसके साथ? दैट इज़ द क्वेश्चन, व्हाट नेक्स्ट? हम पैदा भी हो गए, बड़े भी हो गए, कई मर भी गए, हमने भी मर जाना है। एक चीज़ पे तो आप डिनाइल, हम सब डिनाइल पे हैं बाय द वे, एक चीज़ पे कि हम मरेंगे नहीं, हमने मरना है, एक ना एक दिन मरना है। और एक आपने अगर अपने दिमाग में एक चीज़ रखें कि कफन की कोई जेब नहीं है, उसकी कोई जेब नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब आपके अंदर ये ख्याल आ जाएगा, आपके अंदर खिदमत खल्क भी आएगी, आपके अंदर सच्चाई भी आएगी, आपके अंदर इंसानियत भी आएगी, और आपके अंदर एक दूसरे का एक वो कहते हैं ना रिस्पेक्ट आएगी। लेकिन सोचने समझने की बात है ना, इम्प्लीमेंटेशन की बात है। तो इम्प्लीमेंटेशन हम क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ इसलिए बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेविटी, क्योंकि हमारे मुल्क में गरीब गरीब होता है, अमीर अमीर होता है। आप कहीं जगह चले जाएं, काम पे लग जाएं, आपकी तनख्वाह जो कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन से पूरी दुनिया में बढ़ती है, आपकी तनख्वाह वही रहती है 2-3-4 साल। कहीं आपका वो सिफारिश लग गई तो आपकी तनख्वाह बढ़ गई। तो मीडिया के अंदर जो मैं देखता हूँ, मीडिया इस वक्त, बड़े अफसोस से मैं कहता हूँ कि इसके अंदर कई ऐसे लोग हैं जो कि ब्लैकमेलर्स हैं, और ये ब्लैकमेलर्स मीडिया का नाम ख़राब करते हैं। ये हमारी डिफ़िकल्टी है। और ये जब ख़राब करते हैं नाम, तो बाकियों पे वैसे वो धब्बे पड़ जाते हैं, वो जी ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो हम इसको कैसे ठीक करेंगे? एक ही तरीके से ठीक करेंगे, यार दाल खा लो, ज़रूरी नहीं है कि चिकन भी साथ खानी है। ऑनेस्टली बी सिंपल, मैं रिलीजियस नहीं हूँ, बट आई ऑलवेज लुक अपॉन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के व्हाट वाज ही, दैट्स ऑल।
दुनिया उनको क्लेम करती है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, बाकियों को क्यों नहीं कहते? हजरत ईसा भी आए थे, मूसा भी आए थे, यूसुफ थे, इब्राहिम, सो मैनी, उनको क्यों नहीं? वाई हिम? बिकॉज ही लेड बाय एग्जाम्पल, एंड वी आर फॉर्चुनेट कि हम उनके फॉलोअर हैं, और एक अनफॉर्चुनेट है हम फॉलो नहीं करते. दैट इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस. तो मीडिया हो, कॉर्पोरेट हो, कोई भी हो, हमने अपने आप की समझ जब तक ठीक नहीं की, ट्रस्ट मी, वी वॉन्ट प्रोग्रेस. आप अपने अंदर एक वो कर लो, एक ये रेजोल्यूशन. मैं जब बड़ा छोटा था, मैं क्रिकेट देखता होता था, तो शौक भी था. मैंने फैसला किया, यार मैंने खेलना है पाकिस्तान के लिए. मेरा सक्का ताया जो कि चेयरमैन था पीसीबी बोर्ड का, मैं उस ज़माने में यहाँ खेला ही नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया, लेकिन मैंने पाकिस्तान खेला, पहला वर्ल्ड कप खेला किसी सिफारिश के बगैर. हम तीन थे, मियाँ दाद, इमरान खान और मैं, हम तीनों थे इस टीम के अंदर जो नए थे, यू नो, जिनका डेब्यू हुआ. मेहनत के साथ, कोई सिफारिश नहीं. तो जब आप एक रेजोल्यूशन करते हैं, आप वो अचीव करें, वो अचीव करें. फिर मैंने जब क्रिकेट खेली, उसके बाद बीच में 71 की वॉर आई, तो बड़ा फॉर्चुनेट था कि मैंने एक्शन भी देखा गंडा सिंह वाला बॉर्डर पे. और फौज की मुझे इज्जत कहाँ से आई कि 99% जो मेरे क्लास फेलोज थे पिंडी वाले, सब फौज में गए, सब मोस्टली रिटायर हुए एज जनरल्स, लेफ्टिनेंट जनरल्स मोस्टली. एक वज़ीर आज़म बन गया उधर का, वह प्रेसिडेंट है उधर का आज़ाद कश्मीर का, बैरिस्टर सुल्तान. वहाँ हम रात को एक दिन जा रहे हैं, तो सप्लाईज, वो आर्मी में एक टर्म होती है फ्रेश, तो वो पुराने अमेरिकन ट्रक थे जिनके हम जा रहे हैं, तो उधर से इंडिया का फायर आ गया. तो वो पूरा बैटल गेयर होता है, यू नो, इतना भारी कि यू नो, अब मैं समझता हूँ इसको किस तरह पहनते हैं ये. छलांग मारी, वो खालें होती हैं रोड के साथ, छलांग मारी अंदर. तो मेरे साथ एक था हवालदार मोहम्मद ख़ान, तो उसने, हवालदार ने मुझे किक मारी इधर लेफ्ट पे, और वो भी फौजी बूट के साथ. मैं लुढ़कता गया, को मेरे ख्याल 5-6 फुट आगे चला गया. फायर बंद हुआ तो आके उसने सलूट किया, उसने कहा सर मैंने आपको इसलिए किक मारी कि अगर दुश्मन का गोला इधर आ जाता तो हम दोनों चले जाते, लेकिन मैंने मारा कि या आप जाएं या मैं जाऊं. ये चीज़ आज तक मैं नहीं भूला. ये है फौजी, ये है फौज जो हमारी मुहाफिज है. आप आगे जाएं, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि ये देखा है मैंने, बहुत फॉर्चुनेट हूँ. ये भी देखा कि जब सीज़ फायर हुई तो उनका, हमने कसर हिंद था, फ़ख्र हिंद, कसर हिंद में एक लव लुहान सिख कैप्टन गुरमीत सिंह, वो उधर, उसको कहा भाई सरेंडर कर दे, सब पकड़े मर गए, पकड़े गए. वो नहीं, वो करता रहा. एंड में उसका एम्युनिशन ख़त्म हो गया, तो हमारे जो आगे थे जवान उनको ले आए, तो उसको हमने लटाया. सुतलेज पे आप गए हो गए जब गंडा सिंह वाला पे, तो वहाँ एक पेरीमीटर है, तो उसके नीचे उसको लटाया. तो उसने सिगरेट मांगी तो उसको सिगरेट दी, और इंजर्ड था बैडली, उसके बाद ले गए उसको. तो क्या कहता है, कहता है ऐसी की जंग लड़ रहे हैं, मेरे घर तनख्वाह भी नहीं देती उन्होंने, एजी पंजाब ने, उनका भी एजी पंजाब है, हमारा भी. उन्होंने कहा जी साढ़े घर तो तनख्वाह नहीं देती उन्होंने, तो देखो मैं तो उन्हें लड़ रहे हैं. तो बात यह है कि परसेप्शंस, आप कितनी या इधर सोसाइटी में लड़ाई कर लो, सोसाइटी के अंदर सेपरेशन कर लो, डिवोर्स कर लो, रीयूनाइट कर लो, सोसाइटीज़ जो होती हैं इसको बड़ा करके आप बॉर्डर्स ले आते हैं, बॉर्डर्स करके आप ग्लोबल विलेज बन जाती है. इस सारों के अंदर एज फार एज मेरा कंसर्न है वो है पाकिस्तान. तो मैं यही कहूँगा कि हमने अपने घर को ठीक करना, बाकी मारो गोली. हमने हम खेलते हैं चीज़ों के ऊपर. मुझे आज आप ईमानदारी से दिल पे हाथ कर के कह दो, फॉर एग्जाम्पल स्वीडन में जो हुआ है रसूल पाक के मुतालिक जो बातें की हैं, यार वो एक औरत कूड़ा करकट उन पर फेंकती थी, जब वो बीमार भी हुई तो ये उनको देखने गए. तो क्या स्वीडन में अगर कोई बात करेगा हमें फ़र्क पड़ेगा?
हमने तो अपने ईमान को पक्का करना है, हम क्या करें? ये रिटेलिएशन होनी चाहिए, हमारी ये रिटेलिएशन नहीं, इधर तोड़ दो, ये कर दो, फलाना कर दो, वो पहले नॉर्वे भी हमने यही किया, नुकसान अपना कर गए। इनको समझाओ, मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, मेरी मैं सबका एक कोट करता हूँ, ये इमरान खान जब जनरल असेंबली में गया, मैंने ज़िंदगी के अंदर ऐसी स्पीच नहीं सुनी जो उसने इस्लाम के मुतालिक बात की, उम्मा के मुतालिक उसने बात की, मैंने नहीं सुनी। कई दफ़ा नवाज शरीफ ने भी बहुत अच्छी की है, शहबाज ने भी बड़ी अच्छी की हैं, करते हैं, जरदारी ने किया, बेनज़ीर ने बहुत अच्छी अच्छी की हैं, लेकिन जो टचिंग थी, जो कि हमने सिखाना है अपने मज़हब के मुतालिक, अपने अंदर के मुतालिक, वो उसने की। तो मैसेज ये की है कि देखो, डू गुड एंड लेट अदर्स डू गुड फॉर यू। गुस्सा आता है, गुस्सा नेचुरल चीज़ है, लेकिन गुस्से के अंदर अपने आप को 10 सेकंड दे दो। जस्ट गिव योर सेल्फ 10 सेकेंड्स बिफोर यू नो रिटेलिएट और एक्ट, छोड़ दो। ये चीज़ें हैं जो कि हम समझते हैं कि मीडिया के अंदर आनी चाहिए, हम नहीं आते। मीडिया के अंदर हमें चाहिए क्या? रेटिंग। मैं सबसे पहला पॉलिटिकल एंकर हूँ इस मुल्क के अंदर, सबसे पहला। ये सब मेरे बाद आए हैं, ये कामरान, हामिद मीर, ये वो सब मेरे बाद आए, क्योंकि हमने लंदन में स्टार्ट किया था ARY। ये पहले पाकिस्तानी चैनल था, फिर ये ARY बना, आज माशाल्लाह बहुत अच्छा चैनल है। लेकिन मैंने कभी भी अपने टॉक शोज़ के अंदर ये नहीं कहा कि यार आपने इसको गाली देनी है, आपने ये करना, नो, बिकॉज़ फिर मैं आपको ख़राब कर रहा हूँ। मैं आपको वो लेसन दे रहा हूँ कि दो लड़ा के उनकी बदखोइयाँ आपके सामने और आप बड़ी हो रही हैं इसके अंदर, तो फिर आप यही करेंगे आगे। मैं प्रोग्राम्स बंद कर देता हूँ, था और हूँ जहाँ इसकी तलखियाँ होती हैं, बिकॉज़ आप तलखियों के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन हमारी कौम जो है उसको रेटिंग देती है। ओहो, देखो जी उसने ये किया, उसने ये, दैट इज़ नॉट व्हाट इट इज़। हमें संजीदा होना है हर जगह, पर्टिकुलरली इन द मीडिया, वी आर नॉट सीरियस। पूरी दुनिया के अंदर आप देख लो, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डिफ़िकल्टीज़ की बात आती है, हमारे पास वाइल्ड लाइफ है, हर चीज़ है, मारखोर की हम बड़ी वो पब्लिसिटी करते हैं, मारखोर को मार देते हैं हम, वो चार वो लेपर्ड्स फिर रहे हैं, उनको मारने के चक्कर में फिर रहे हैं, पूरी दुनिया प्रिजर्व करती है। हमने, आपने देखा कोई प्रोग्राम एनवायरनमेंट के ऊपर? नो, कोई प्रोग्राम नहीं होता एनवायरनमेंट पे। और अवेयरनेस है, क्योंकि आप और मैं क्या करते हैं, प्लास्टिक लिया, बाहर फेंक दिया, 10 करोड़ प्लास्टिक बाहर आया, बारिशें आई, प्लास्टिक गटर में चले गए, फ्लड आपका पानी आ गया, और हमने क्या कहना, देखो जी गवर्नमेंट ने बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क हमने किया है? गवर्नमेंट नहीं करती है, गवर्नमेंट एक इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी, जो मर्जी हो गवर्नमेंट नहीं करेगी, हम करेंगे। हम ये जो ब्लॉकेजेस हैं, ये जो ये बंद हो जाते हैं, ये नो आपके गटर और शटर, ये हमने किए हुए हैं, बिकॉज हम रोड पे फेंकते हैं, हम कदर नहीं है, ये होती है डेमोक्रेसी, हम नहीं हैं उसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली जाके अगर आप लोगों को कहीं रोकोगे ना, खुदा की कसम आप बहुत बड़ी सर्विस करोगे, बहुत बड़ी सर्विस करोगे, बिकॉज ईच मेंबर ऑफ द कम्युनिटी उसका एक रोल है, एंड दैट रोल इज़ टू डू बेटर ऑन अ बिगर स्केल फॉर द कंट्री, फॉर अस, हमारे अपने लिए। ये बड़े बड़े घर जो हैं इधर ज़बरदस्त अंदर से साफ होंगे, लेकिन गेट के बाहर जाओ सारा कूड़ा करकट उधर पड़ा हुआ है। दूसरों के लिए वो अज़ा और अपने लिए सफाई। मीडिया को इसको हाइप देनी चाहिए, लेकिन इसकी रेटिंग कोई नहीं है, इसको देखता कोई नहीं। दुनिया के अंदर नेशनल ज्योग्राफिक्स देखें, हिस्ट्री चैनल देखें, आप वाइल्ड लाइफ देखें, कोई भी देखें, वो आपको बताते रह रहे हैं एनवायरनमेंट, ग्लेशियर मेल्टिंग की आपको बात कर रहे हैं। सो एजुकेशनल पॉइंट जो है, मैं ये समझता हूँ ये सबसे बड़ा हमारा जो मीडिया का एक शॉर्टकमिंग है ये है। बाकी तनकीद, देखो तनकीद होती रहती है, लेकिन एज लॉन्ग तनकीद बराए तामीर हो तो फिर मैं समझता हूँ उसमें फ़ायदा भी है। लेकिन ऐवी तनकीद कर देना, उसने ये कर दिया, फलाना कर दिया, वो ये मुल्क उस तरह नहीं चलेगा। आपने कहीं भी आप देख लो, हिस्ट्री देख लो, पॉलिटिकल हिस्ट्री 58 से भी पहले, 52, 53 आपकी गवर्नमेंट्स यूँ गई हैं,
उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। आज 2023 है, आज वाले कह रहे हैं पिछलों ने किया, पिछले वाले कह रहे हैं पिछलों ने किया, वो पिछले 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 जा रहे हैं। और तुम क्या कर रहे हो? वो तुम लोग कर गए, तुम क्या कर रहे हो? उसकी प्रोजेक्शन मीडिया नहीं करेगा क्योंकि पैसा लगा हुआ है। एनालिसिस करें ना, वो नहीं हम करते। तो ये एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जिसके अंदर मीडिया के ओनर्स को भी और जो भी गवर्नमेंट हो उसको टॉलरेंस दिखानी है। मीडिया के ओनर्स को बिकना नहीं चाहिए और गवर्नमेंट को सख्ती नहीं इस तरह करनी चाहिए। फिर आप डेमोक्रेसी की बात ना करें ना। हालांकि ये हंसने वाली बात है और रोने वाला मकाम है कि हमें जो मीडिया की आज़ादी कुछ मिली है या मीडिया बढ़ा है, वो एक मिलिट्री जनरल के अंदर हुआ है, जनरल मुशर्रफ के। सारा मीडिया तो वो लेके आया है। डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं कौन लेके आया, मुझे बता दें आप, कौन ही लाया है? वो लाया है और खुद इसी का शिकार भी हो गए। एंड अफसोस ये है कि हमने इसको बढ़ने नहीं दिया। इंडिया के साथ मैं बैठता हूँ प्रोग्राम्स के अंदर, वो अभी भी हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, किसी को बोलने नहीं देते हैं, चीखते हैं, धाड़ते हैं, ये करते हैं, लेकिन उसके अंदर भी थोड़ा सा एक लिहाज आया है, थोड़ा सा है। और वो किस लिए आया है? बड़ा शोर कर रहे थे T20 जीतेंगे, T20 हार गए, उसके बाद ठप हो गए। उन्होंने पूरे इंडिया में कह दिया हम तो जीत गए हैं, जी आप कौन है, कहाँ से आए? तो जब हार गए, ये इनके बंदे मिलते नहीं थे। तो ये मैं समझता हूँ कि आपने जो मीडिया है, लिखें, बट लिखें ऑनेस्टली, ट्वीट करें, फेसबुक पे जाएं कि द मीडिया हैज़ टू बी ऑनेस्ट। मैं तो मीडिया की बात करूँगा क्यों, आई एम फ्रॉम देयर। तो अगर मैं ऑनेस्ट नहीं हूँ तो फिर मुझे बताएं कि विल यू ट्रस्ट मी? नो यू वॉन्ट, यू विल नेवर ट्रस्ट मी, बिकॉज मैं आपका आगे झूठ बोल रहा हूँ। तो और मैं कब तक बोलता रहूँगा? मैंने तो अभी तक मैं तो कहा है बीइंग द फर्स्ट, यार मुझे तो आज मल्टी मिलियनर होना चाहिए था। मैं तो आज भी एक किराए के फ्लैट में हूँ, मेरा अपना घर क्यों नहीं इधर, मुझे बताओ। बिकॉज आई कांट ऑफ आई, मेरे पास बड़ी अपॉर्चुनिटी, मैंने लोगों को मिलियनर्स बनाया है जेन्युइन, मैं खुद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बाप ने, मेरे दादे ने पाकिस्तान में, पाकिस्तान मूवमेंट में हिस्सा लिया हुआ है, बनाया हुआ है। रेफ्यूजी कमिश्नर थे इधर उस वक्त, ये मंटगुमरी में जो साई वाले आज, तो मैं जब उनको देखता हूँ तो फिर मैं कहूँगा यार अगर मैं भी चोर निकला हूँ, निकल आया हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? आई कॉन्ट डू इट। सो हमें मीडिया का भी एहतसाब करना है कि तुम्हारे पास ये घर, ये गाड़ियाँ, ये जहाज़ और इस तरह की चीज़ें, ये कहाँ से आ गई हैं यार? कितनी की तनख्वाह है मुझे बताओ ना। ये तो बियॉन्ड आपके जो मींस है, आपने उस तरह बनाया। तो इसके अंदर आप लोगों का एक रोल होना चाहिए कि ये जो हमारी डिफ़िकल्टीज़ हैं इसको आप, यू कैन मेक इट राइट, लिखें एंड एक्सपोज दोज पीपल। इट डजंट मैटर वो इमरान की साइड ले रहे हैं, वाई शुड यू टेक इमरान साइड, शबाज की ले रहे हैं, वाई शुड यू टेक, बी ऑनेस्ट। दोनों को दिखाएं इस तरह। जब आप दोनों को दिखाएंगे फिर ये जो दूसरे बैठे फिर ये वोट भी उसी को देंगे। मेरे अंदर इंजेक्शन लग गया भाई, वो तो बहुत ही ख़राब है, वो तो ये है वो है, मैं तो उधर वोट दे दूंगा क्योंकि आपने मेरे दिमाग को ख़राब कर दिया। आपने खुद फैसला करना है। अब वो टाइम चला गया, मोस्टली अल्लाह सबको ज़िंदगी दे, लेकिन मोस्टली हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं सीजनड और क्या कहते हैं बड़े मंझे हुए, इनका अब सेल बाय टाइम आ गया है, ये अब एक्सपायरी डेट में नए पॉलिटिशियंस आप में से आएंगे, आप करोगे पाकिस्तान के लिए, नो वन एल्स, यू विल। और ये अपने अंदर रेजोल्यूशन कर लो यार मैं करूँगा, लेकिन मैंने करप्शन और बेईमानी नहीं करनी। ट्रस्ट मी, हमारा मुल्क इसके अंदर हर चीज़ है, हर चीज़ है। हम न्यूक्लियर बॉम्ब हम नहीं बनाया ना, ये अरबों के पास कितना पैसा है, ये तो दो मिनट में बना सकते हैं, क्यों नहीं बनाया उन्होंने? हमने बनाया।
तो ये जो चीज़ें होती हैं, मैं समझता हूँ इसके अंदर हमें फ़ख्र करना है अपने आप पे। और हम जो बार बार तनकीद तनकीद तनकीद, कितनी तनकीद करोगे यार, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, वो ये हो गया, कब तक करोगे? झूठ पर झूठ मीडिया के अंदर आ रहा है, झूठ पर झूठ। और हमारी कोर्ट्स, इनका हाल देख लो। अब नवाज शरीफ को सब कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है, तो उसके फिर इतने साल जो तुमने लाइफ इन प्रिजन ली थी, क्या है, क्यों? सरदारी को 11 साल तुमने कहा चोर, मर्डर, एक्सट्रॉशनिस्ट, रेपिस्ट, मनी लॉन्डर, हर चीज उसको उठा के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना दिया। प्लीज टेल मी, somebody has got to be responsible, ना? Why did the media not play a role? Sold out. और ओवरनाइट हमने किसी को कहना है सबसे बड़ा दहशतगर्द, वो आपका चेयरमैन आपने बना दिया पीटीआई का एक दिन के अंदर। और ये जो उसके साथ थे, ये पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो उसके साथ थे, इंस्टेड ऑफ के ओनरशिप लो कि हम वो लोग नहीं हैं, वो सारे दौड़ गए। दे वर नोबडीज, दे विल रिमेन नोबडीज, बिकॉज ऐसे बंदे नहीं चाहिए। मुझे वो बंदे चाहिए जो PMLN मुसीबत में थी और उसके साथ लोग खड़े रहे। PPP जहांगीर बदर, उसको लाशें मारी थी जनरल ज़िया ने, खड़ा रहा PPP के साथ। हमें वो लोग चाहिए, नजरियाती लोग अपनी पार्टियों के साथ, जिस पार्टी के साथ हो। ये लोटे छोटे जो है, दे हैव नो फ्यूचर, दे विल, अब वो हमें डिस्ट्रॉय करेंगे। मैं तो बड़ा ओपन हूं, नेवर ब्रिंग दोज पीपल आउट जो कि एक पार्टी से, दूसरी पार्टी से, तीसरी पार्टी से। वो एक पे नहीं है तो तीसरे पे क्या करेगा वो? देयर फेलियर्स। सो इसलिए मैं आप लोगों पे स्ट्रेस करता हूं दैट यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री एंड यू हैव टू टेक दिस कंट्री फॉरवर्ड। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? वहाँ पे जो हो रहा है उसको अगर मीडिया देख लें, बिल्कुल कवरेज नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई अगर मरता है उसके बाद में कोई बात नहीं आती। यहाँ पे स्पेशली पंजाब साइड अगर किसी का गधा भी गुम हो जाता है या होता, तो इसकी बजाय यहाँ की खबर चलती है, मीडिया का ये क्यों हो रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। देखो ना, ये समझते हैं कि बिकॉज पंजाब सबसे बड़ा सूबा है वो पाकिस्तान है, ये तासुर है। मैं से एग्री नहीं करता हूँ। मेरे लिए लंडी कोतल से लेके कराची तक वो है पाकिस्तान। बेशक आपने इधर उधर कर दिया है, इसे बना दिए, पाकिस्तान पाकिस्तान है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि फाटा के अंदर क्यों नहीं है, ये हमें करना चाहिए, क्योंकि मीडिया इधर बैठा हुआ है और उसको शायद उधर से इतनी रेवेन्यू मिलती नहीं है। तो फिर ये प्रॉब्लम है ना, फिर प्रॉब्लम है ना ये, फिर इसके लिए आप उठाओ, उठाओ जोर लगाओ। सर वो मीडिया वाले तो खुद उठाएं तो इसकी बात ज्यादा है। वो मीडिया बिका हुआ है मेरे भाई, तो सर कोई सुनते नहीं है। बलूचिस्तान में आप जाओ ना, इंटीरियर बलूचिस्तान के अंदर, मैं तो ऐसी ऐसी जगह पे गया हूँ, देखा है मैंने, उधर मीडिया का को बंदा को गलत रिपोर्टिंग कर जो बंदे को मार देते हैं, उठा के ले जाते हैं। ये जो मिसिंग पर्सन की बात करते हैं, ये वहीं लोकल है, फ्यूडल्स ले जाते हैं। सर आपने कहा कि आप लोग ये खुद उठाए ये इशू है, तो जब भी वहाँ पे कोई ये इशू उठाता है तो उसको ही उठा लिया जाता है। ठीक है, मीडिया ठीक है, इसके लोग डरते हैं वहाँ पे, ये इशू नहीं उठाते। ना डरो, मत डरो, ये है, याद रखो, देखो बात सुनो, आप किसके फॉलोअर हो? मैं किसी का भी नहीं। आप हैं, आप रसूल पाक के फॉलोअर हैं, ठीक है, अकेला आदमी पूरी दुनिया को लेकर खड़ा हुआ है, आप क्यों नहीं कर सकते है? क्या वो इज डिफरेंट? नो, अगर आप उनके फॉलोअर हो, खड़े हो जाओ, क्या होगा, मारेंगे, और क्या होगा, जान से मारेंगे, मरना तो है ही एक दिन। सर और ये मीडिया जो है ये खुद भी से मिलता है अपने आप यहाँ बैठे, आप इधर बैठे हो ना,
ये फाउंडेशन पे ये स्टार्ट है, ये एक स्टार्ट है, क्योंकि यहाँ गरीब बच्चा तालीम नहीं ले सकता। कॉलेज में चले जाओ, 50-60 हज़ार रुपया उसकी तनख्वाह है और उसकी फीस है। एवरेज आपकी तनख्वाह 80 होगी। उसने घर का बिजली का बिल देना है, अपना घर चलाना है, बच्चों की तालीम देनी है। अगर 3 बच्चे हैं वो कहाँ से लेगा? करप्शन नहीं करेगा, क्या करेगा? इसलिए मैं बार बार, आप ट्वीट करो फीसें कम करो। मैं सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा यार। ये इराक वॉर जब हुई है, लिटरेसी रेट पता है इराक का कितना था? सब लिटरेट थे वहाँ, जो मर्जी सदाम हुसैन को कह दो, सब पढ़ा लिखा था, जीरो था लिटरेसी रेट, देख लें आप। तो हमने यहाँ क्या करना है? अगर तो देखो, ये अमीर जो हैं बड़े बड़े, इन्होंने आपको कुछ नहीं देना, आपने इनको कम्पीट करना है बाय योर एबिलिटी। हमारे सारे सियासतदान और ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये कहाँ के पढ़े हुए? टाट के पढ़े हुए, टाटों पे बैठ के। कई जनरल्स मेहनत के साथ आए ना, आप भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो आप? यू कैन डू इट। सिर्फ करने वाले बनो। तो ये एक आपके सामने जहां आप बैठे हो, इट्स अ स्टार्ट, अल्लाह करे और भी हैं। तो जब इस तरह की आपकी आएगी, तो ग्रेजुअली आपने वो कहते हैं वो सीड तो डाला है, तो सीड के साथ बड़े और भी आपके फूल निकलेंगे। आप तो यंग फूल हो, नए फूल हो, निकलेंगे फूल आगे। बट करना आपने, एक्टिव हो मीडिया के अंदर बट पॉजिटिव। और याद रखना, यहाँ जो एक और चीज़ मैं देखता हूँ कईयों को, हमारे स्टेट के खिलाफ लोग बातें करना करते हैं। स्टेट को छोड़ दो, सियासत पे जो मर्जी करो, क्योंकि जब आप स्टेट के खिलाफ करते हो, आपका दुश्मन उससे फ़ायदा उठाता है, मौका उसको मिलता है, झूठ भी बोलता है वो। परसों की बात है कि हमारे PCB के चेयरमैन अभी उधर गए साउथ अफ्रीका, तो उनकी जय शाह से मुलाकात हुई। उसने एग्री किया कि मैं पाकिस्तान आऊँगा, श्रीलंका के मैच के लिए आऊँगा मैं, और हम पाकिस्तान भी खेलेंगे, आप भी आएँ। 2 दिन के बाद स्टेटमेंट आई, मैंने तो ऐसी बात ही नहीं की। तो मैंने चेयरमैन को कहा, मैं जी तस्वीर तो भेजे ना पहले। वो फिर हमने तस्वीरें लगाई कि दोनों खड़े हुए बात भी कर रहे हैं। तो वो मौका ढूंढते हैं हमें ख़राब करने का। तो इसलिए जब हम खुद अपने अंदर अपने स्टेट को बिला वजह करते हैं, ये हमारा नुकसान है। स्टेट ने आपको कुछ दिया ही नहीं, स्टेट नहीं आपको देगा, आपने देना स्टेट। स्टेट सर इज अ कॉन्ट्रैक्ट है ना? कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने टैक्स देना है और टैक्स मेरे ऊपर खर्च होना है। अगर वो नहीं खर्च हो रहा और स्टेट मुझे यूज कर रहा है एज ए बैटलफील्ड टू अर्न मनी, और मुझे स्टेट कंफ्यूजन के अंदर रख रहा है, तो उस स्टेट के साथ मैंने लायबिलिटी तो शो की फॉर 75 इयर्स, तो स्टेट ने तो भी मेरे साथ लायबिलिटी शो करनी होती है। वेरी गुड क्वेश्चन। आपने लॉयल्टी कैसे दिखानी है? बाय नॉट वोटिंग फॉर दोज पीपल हु आर नॉट गिविंग यू योर राइट्स। यू मेक द स्टेट इज यू। सर पॉलिटिशियन डोंट मेक एनी डिफरेंस। Don't get them there. Politicians are the ones who run the country. You don't give them the vote. Because when you give them the vote, you give them the license to do what you like. Phir hum rote hain, dekho ji, hamare sath ye kar gaya. Kitne nare lage, roti, kapda, makan milega. Aaj tak Ghotki ke andar, Alipur ke andar, log mere paas aate hain, sir, hame abhi tak nahi mili, zameenein nahi mili. Wo kehte hain, yellow cab, sir, hame yellow cab nahi mile. Lollipop sab denge aapko. इसलिए मैं कहता हूँ, जो डिलीवर ना करे, आप कहीं काम कर रहे हैं या आपके लिए कोई काम कर रहा है, आप 3 दफ़ा उस आदमी को कहोगे यार ये कर दो, मैं तुम्हें तनख्वाह भी दे रहा हूँ, उसको रखोगे आप दोबारा? नहीं रखोगे, निकाल दोगे, या आप नहीं करोगे आपको निकाल देगा। सो आपने जो कहा ना, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये दिस इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो पढ़ा ना आपने, लॉक रूसो सारा, यही चीज़ है स्टेट की, कि आप
You give your taxes, the state runs it, but the state doesn't deliver. The people who are running the state, don't give them the vote. That's it. आप निजात वहीं कर देते हो, लेकिन आपको मिल जाता है 500 रुपया, आपको 1000 रुपया, 2000 रुपया, आप जाके वोट दे देते हो। चलो एक दो तो हो गया, तो जब लाखों में होगा वो तो आपका जो करप्ट कैंडिडेट है, जो आपको पैसे दे के वोट ले रहा है, तो करप्शन तो यहीं शुरू होगी सारी। फिर आप किस करप्शन की बात करते हैं? जब आप पैसे लेके वोट देते हो, दैट मीन्स यू आर करप्ट एंड द पर्सन यू आर इलेक्टिंग इज करप्ट। बाहर के मुल्क के अंदर कोई पता नहीं, आप वो आएगा, वो आपके सामने वो कैंडिडेट आएगी बरो काउंसिल की जो भी है, आप वो यही कहेगी, उसने लिखा है कि मैंने ये किया है, ये किया। आप जाएँ आराम से वोट दे के आ जाए, ख़त्म होगी बात। यहाँ जीपें हैं, बसें हैं, खाने चल रहे हैं, ये हो रहा है, और आप उनसे वोट लिए जा रहे हैं। यही तो हमारी प्रॉब्लम है। मीडिया इसको हाईलाइट क्यों नहीं करता भाई? करो। अब इलेक्शन कमीशन का एक रिफॉर्म आया है, उन्होंने कहा जी के 10 लाख रुपया या 20 लाख रुपया आप लगा लो। ये तो करोड़ों लगाते हैं, करोड़ों। तो जब आप करोड़ लगाओगे तो आपने करोड़ वापस भी तो लेना है कहीं से। तो आपका सवाल वही आ गया, स्टेट क्या देगी आपको? वो तो आपको लूट, आपको तो लूट गई है वो। सो वोट फॉर दोज पीपल हु यू थिंक, जिसका नाम भी नहीं है लेकिन मोहल्ले गले गलियों में सिटीज़ के अंदर, यार ये अच्छा आदमी है, गिव हिम द वोट। ज़रूरी नहीं है कि जिसका नाम बहुत बना हुआ है, नाम जिसका बना हुआ, भाई तुमने हमारे लिए किया क्या? हम तो आज भी गंदे नाले के साथ हैं, आज भी फ्लडिंग के साथ हैं, आज भी अनएम्प्लॉयमेंट के साथ हैं, आज भी जो स्कूलों की फीसें उनके साथ हैं। किसी ने किया है मदरसे की अपग्रेडेशन? मुझे बता दो, किसी ने बात की? ये फाटा की बात करते हैं, फाटा को क्यों नहीं आप ऊपर लेके जाते? आप कहते हैं जी वहाँ दहशतगर्दी ये, ओ भाई दहशतगर्दी आपको अच्छे बुरे हर जगह मिलेंगे, लेकिन एजुकेट तो करो ना। वो नहीं करना क्योंकि वोट ख़राब होता है। मैंने एक DIG और IG से बात की, मैंने कहा जी कि सर ये देखें ट्रैफिक कितनी ख़राब है, इसको क्यों नहीं ठीक कर सकते? क्या कहता है? कहता है हम नहीं कर सकते सर। DIG IG, मैं कहा क्यों? हम प्रपोजल देते हैं MPS को कि ये जो 350-700 रुपया जो है ये फाइन है, इसको बढ़ाएं। आप बढ़ाएंगे तो दोबारा नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन उसने अपने वोट बैंक को भी इंटैक्ट रखना है। सबसे बड़ा $multi-million बिजनेस किधर है मुझे बताएं? पाकिस्तान में कहाँ हो रहा है $multi-million बिजनेस? को बता सकता है एनीबडी? रियल एस्टेट वो है सर, वार अगेंस्ट टेरर में बहुत आ रहा। क्या बिजनेस? बिजनेस हर जगह होता है, रुकता नहीं है। लेकिन अगर मैं एक मुल्क को चलाऊंगा तो मुझे टैक्स चाहिए। मैं मुल्क को टैक्स से चलाता हूँ, जिसकी अभी आपने सवाल किया मुझसे। ये कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त बाइंड होता है जब आप मुझे टैक्स देंगे। तो जब आप मुझे टैक्स ही नहीं देंगे और $multi-million बिजनेस किधर है? ये आपका लोकल ट्रेडर, छोटा दुकानों वाला, कैश पे आपसे पैसे देता है, कच्ची रसीद देता है, FBR को एक पैसा नहीं जाता। ये $multi-million बिजनेस है। ये रेडी वाला, ये देता है टैक्स? नो, क्योंकि हमने इनके दिमाग में डाल दिया गरीब गरीब गरीब। नो, वो पैसा कमाता है, ठीक कमाता है। तो अगर उसने जलसे में जुलूस में हिस्सा लेना है तो उसे पूछो तुमने टैक्स दिया हुआ है? नो। पूरी दुनिया में टैक्स, हज़रत उमर ने जब जेरूसलम का महाज किया तो उन्होंने कहा चाबी ले ली। आज तक एक मुसलमान के पास है चाबी, बाय द वे इज़राइल में, जेरूसलम की मुस्लिम फैमिली वहाँ रहती है। उन्होंने कहा तुम जो मर्जी करो, मुझे कोई परवाह नहीं, तुम मुझे सिर्फ टैक्स दो, दैट्स इट। हमें लड़ाई किसी से नहीं चाहिए, तुम टैक्स दो, मेरा मुल्क आगे बढ़ेगा, आपको सर्विसेज मिलेंगी, फैसिलिटीज मिलेंगी, आपकी ट्रेन अच्छी चलेंगी, रोडें अच्छी बनेंगी। कहाँ से बनेंगी? यहीं से तो बनेंगी। और एनीथिंग एल्स? थैंक यू। Thank you.